की शादी में शामिल होने आए जीजा की ससुराल में ही किया उसके साले ने हत्या। जीजा को अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा साले ने और जीजा को मार दी साले ने गोली और घटना स्थल पर हुई मौत। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। बीते रविवार बेगूसराय की है यह घटना, जहां एक जीजा दिल्ली से अपने साले की पत्नी के साथ यानी अपने सरहज के साथ 9 फरवरी को शादी में शामिल होने आता है अपने ससुराल, और कल चल रहा था मटकोर कार्यक्रम, जिस मटकोर कार्यक्रम में वह जीजा और साले की पत्नी यानी सरहज मटकोर कार्यक्रम में शामिल होने नहीं पहुंचा। जीजा और सरहज दोनों रह गया अपने ही ससुराल के एक कमरे में और साला पहुंचा था मटकोर के स्थल पे, और जब साला सोनू नहीं पाया अपने जीजा और अपनी पत्नी को मटकोर स्थल पे, तो वह ढूंढता ढूंढता पहुंच गया अपने घर और अपने जीजा जितेंद्र और अपनी पत्नी को पाया एक कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में। आपत्तिजनक स्थिति देख साले ने वही मार दी अपने जीजा को गोली और वही हो गया जीजा जितेंद्र की मौत। यानी एक साले ने अपनी पत्नी को अपने जीजा के साथ देखा आपत्तिजनक स्थिति में और जीजा को साला ने मारा गोली और हुई मौत। यह घटना है बेगूसराय जिला के बखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी मौजी गांव की, जहां एक जीजा आया था अपनी साली की शादी में शामिल होने ससुराल और साले ने गोली मारकर कर दी हत्या। मृतक की पहचान बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के एकर बासा गांव निवासी नंद किशोर चौधरी के 30 वर्षीय पुत्र जितेंद्र कुमार राणा के रूप में हुआ है, जो जितेंद्र कुमार राणा अपने परिवार के साथ दिल्ली में एक सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड का नौकरी करता है, और वह 9 फरवरी को आया था अपनी चचेरी साली की शादी में शामिल होने अपने सरहज के साथ दिल्ली से बेगूसराय, और वह अपनी पत्नी के साथ वह नहीं आया था, उसका पत्नी दिल्ली में ही था और आया था अपनी सरहज के साथ, और उसी सरहज के साथ ससुराल में पाया गया आपत्तिजनक स्थिति में और साले ने गोली मारकर कर दी हत्या। और दूसरी ओर इस घटना को लेकर के यह भी चर्चा है कि हर्फ फायरिंग में जीजा की गोली लगने से हुई है मौत। साला सोनू और जीजा जितेंद्र हर्फ फायरिंग को लेकर के आपस में पहले हम करेंगे फायरिंग, इसके चक्कर में हुआ फायर और जीजा जितेंद्र के सर में जा लगी गोली और हो गई मौत। इस घटना को लेकर पुलिस सब अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। अब किस प्रकार हुई जीजा जितेंद्र की मौत, साले ने मारी गोली या हर्फ फायरिंग में लगा गोली, पोस्टमार्टम के बाद ही चल पाएगा पता। फिलहाल इस घटना से जितेंद्र के परिजनों में मचा हुआ है कोहराम और ससुराल के सभी परिजन हैं फरार। बन रहे स्वजन समाचार के साथ, नमस्कार।